Hello students, now today we are going to start most important topic in power transmission. So topic name is tension ratio for flat belt drive. So student, आज का जो हमारा topic है वो tension ratio के derivations के regarding है. That means हमें tension ratio, जो कि हम जानते हैं कि tension ratio क्या होता है, वो होता है हमारा T1 upon T2 equals to e टू द पावर म्यू थीटा. तो ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. अब सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे कि एक मैं अरेंजमेंट के हेल्प से आपको बताना चाहूँगा कि टेंशन रेशियो फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है. जैसे कि ये आपका फ्लैट बेल्ट है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है हमारा ड्राइवर और ये है हमारा ड्रिवन. जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो, ड्राइवर जो कि ड्राइव करता है और ड्रिवन जो कि उसको फॉलो करता है. अब चूंकि ये एक ड्राइवर पुली है, अब इस पुली पर माउंटेड क्या है, आपका बेल्ट है. और कौन सा बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है. अब हमारा मेन यहाँ पर क्या करना है, इसका डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है ये डिराइव करना है. अब सबसे पहले जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो पुली है, ये कौन सी पुली है, ड्राइवर पुली. ये ड्राइवर पुली अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो ड्रिवन पुली जो है वो भी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट किसका है, ओपन बेल्ट ड्राइव का. जैसे कि आप जानते हो कि ओपन बेल्ट ड्राइव में ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली दोनों का डायरेक्शंस क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंशन रेशियो की बात करते हैं. तो टेंशन रेशियो दो टेंशन रेशियो होते हैं, मतलब इसमें दो चीज़ होती है. T1 होता है आपका टेंशन इन टाइट साइड और T2 होता है टेंशन इन स्लैक साइड. सो जैसे कि मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि ये होगा आपका T1 और ये होगा आपका T2. अब वो कैसे, क्योंकि जब पुली आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, कौन सी, ड्राइवर पुली, और ड्रिवन पुली भी क्या करेगी, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी. तब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो आप देख पा रहे हो कि जब पुली आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उस दौरान यहाँ पर जो बेल्ट पर जो टेंशन लगेगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, जो टेंशन लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो इसको आप क्या बोलोगे, टेंशन इन टाइट साइड. अब क्योंकि ये इनकमिंग टेंशन है जो आ रहा है, पुली अपने साथ लेके जा रहा है, दैट मीन्स ये हो गया आपका टेंशन इन टाइट साइड. अब जब ये पुली से बेल्ट बाहर निकलता है, मीन्स लीव करता है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम टेंशन होगा. मतलब T1 के कंपेयर में ये जो टेंशन होगा वो काफ़ी कम होगा. तो ये होगा टेंशन इन स्लैक साइड. तो ये T1 है आपका टाइट साइड और ये है आपका स्लैक साइड. तो टाइट साइड और स्लैक साइड. सो ये था आपका ड्राइवर के लिए, अब ये है ड्रिवन के लिए. अब हम जब टेंशन रेशो के लिए डेरिवेशन फाइंड करेंगे, तो डेरिवेशन जब निकालेंगे तो डेरिवेशन के लिए हम कोई या तो ड्राइवर पुली या ड्रिवन पुली, कोई भी पुली को हम कंसीडर कर सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ड्रिवन पुली को कंसीडर करता हूँ. तो ये है मेरी ड्रिवन पुली. अब आप देख पा रहे हो कि ये जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ड्राइवर के लिए ये जो एंगल था आपका, ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसके बीच में, पुली और बेल्ट के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है आपका, थीटा. ये था आपका ड्राइवर के लिए. और सेम कंडीशन ये होगी आपके ड्रिवन पुली के लिए. तो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन पुली एंड बेल्ट. अब जैसे कि मैंने आप क्या कंसीडर किया, कंसीडर दिस इज अ ड्रिवन पुली. सो इस ड्रिवन पुली में आप देख पा रहे हो कि ये जो बेल्ट है ये है आपका T2 और ये जो बेल्ट है ये आपका T1. ठीक है, तो ये बेल्ट में ये जो T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, और बेल्ट में ये जो टेंशन है, टेंशन इन स्लैक साइड. तो टाइट साइड टेंशन इज मैक्सिमम और स्लैक साइड टेंशन इज लेस देन टेंशन इन टाइट साइड. तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कम होगा इसके कंपेयर में. तो ये स्लैक साइड और ये जहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा होगा ये होगा आपका टाइट साइड. अब आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये तो पूरा एंगल कितना है, थीटा. ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का एंगल तो कितना है, थीटा. तो मैं क्या करता हूँ, पूरा एंगल, मतलब ये एंगल थीटा ना लेते हुए एक एलिमेंट्रिक स्ट्रिप लेता हूँ. एलिमेंट्रिक स्ट्रिप
मीन्स इतना ही एंगल मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ, तो इस एंगल को, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कंसीडर करता हूँ डेल थीटा। कितना कंसीडर करता हूँ? डेल थीटा। थीटा न लेते हुए मैं इसको कितना ले लेता हूँ? डेल थीटा। तो मैं इतना ही स्ट्रिप को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ जिस लाइक हियर। सो मैंने इसको इतना यहाँ से यहाँ तक कंसीडर किया, तो ये एंगल कितना हुआ बेल्ट और पुली के बीच में? डेल थीटा मैंने कंसीडर किया। अब मैं क्या मानता हूँ, क्या कंसीडर करता हूँ कि एक होता है आपका टेंशन इन टाइट साइड और एक होता है टेंशन इन स्लैक साइड। सो आप इस तरह यहाँ पे मैं इसको बोल दिया टेंशन इन टाइट साइड, जो टाइट साइड में टेंशन लग रहा है वो कितना है टी, और टेंशन इन स्लैक साइड में टेंशन टाइट साइड में टी प्लस डेल्टा टी, और टेंशन इन स्लैक साइड तो यहाँ पर टेंशन लग रहा है आपका टी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर टेंशन कम लग रहा है इसके कंपेयर में और यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम लग रहा है, तो टी के साथ साथ मैंने एक डेल्टा टी भी यहाँ पर कंसीडर किया। ठीक है, सो ये इस तरह आपका ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसे मेंशन कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो, अब चूंकि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? वो नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह होता है और वो होता है स्टूडेंट आर एन। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेल्ट और पुली के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि टेंशन इन टाइट साइड मतलब मैक्सिमम टेंशन इस साइड पे है टी वन, तो यहाँ पे मैंने कितना कंसीडर किया टी प्लस डेल टी। तो मान के चलो कि इसके पहले तो इसको इसके जस्ट अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करेगा और वो होगा आपका एफ, और वो कितना होगा म्यू इंटू आर एन। क्लियर? इतना होगा म्यू इंटू आर एन। अब मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं रिजॉल्व कैसे करूँगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है डेल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा डेल थीटा बाय टू, और सेम टू सेम ये एंगल भी कितना होगा डेल थीटा बाय टू। अब इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका एंगल डेल थीटा बाय टू। सेम कंडीशन यहाँ पे भी इतना ही होगा, ये कितना होगा डेल थीटा बाय टू। अब ये डेल थीटा बाय टू और ये डेल थीटा बाय टू। अब इसको हम जब रिजॉल्व करते हैं तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे किसको टी को, तो टी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो ये चूंकि ये आपका एंगल क्या है और ये जो रेफरेंस लाइन, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे टी के, तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा टी कॉस डेल थीटा बाय टू। और सेम कंडीशन यहाँ पे इसके वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा टी साइन डेल थीटा बाय टू। तो ये तो इसके लिए दो कंपोनेंट हो गए। अब सिंस इसकी बात करें टी प्लस डेल टी, तो टी प्लस डेल टी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, तो ये दो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ। ये रिजल्टेंट है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस डेल टी, और ये हो जाएगा कॉस डेल थीटा बाय टू। और सेम कंडीशन यहाँ पे इसका भी एक वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कितना हो जाएगा टी प्लस डेल टी, ये हो जाएगा साइन डेल थीटा बाय। तो उम्मीद करता हूं कि कंपोनेंट्स आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? तो पहले हमने टी के कंपोनेंट लिए, फिर डेल प्लस डेल टी के कंपोनेंट्स लिए। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर करना होगा। सो हम यहां पर कंसीडरिंग फोर्सेस इन, पहले किसको ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, कंसीडरिंग फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक तो आपका आर एन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना दे रखा है टी साइन डेल थीटा बाय टू, और साथ में टी प्लस डेल टी साइन
डेल थीटा बाय टू। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप आर एन, नॉर्मल रिएक्शन आर एन, ये इस डायरेक्शन में और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितना हो जाएगा टी साइन डेल थीटा बाय टू एंड प्लस टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाय टू। अब आप क्या देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो टी साइन डेल थीटा बाय टू प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो टी इंटू साइन डेल थीटा बाय टू प्लस डेल टी इंटू साइन डेल थीटा बाय टू। सिंस वी नो दैट कि साइंस डेल थीटा बाय टू, सो डेल थीटा बाय टू इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट थीटा बाय टू इंस्टीड ऑफ साइन थीटा बाय टू। सो क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू है, साइन डेल थीटा बाय टू की जगह हम किसको क्या लिखेंगे, डेल थीटा बाय टू। सो आप क्या देखते हैं आर एन इक्वल्स टू टी, अब इसके स्टेट में क्या लिखेंगे, डेल थीटा बाय टू प्लस टी इंटू साइन, सॉरी साइन डेल थीटा बाय टू की जगह डेल थीटा बाय टू एंड प्लस डेल टी इंटू डेल थीटा बाय टू। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी आपके इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल मान के इसको हम क्या करेंगे, इसको जीरो कंसीडर करेंगे। सो आपकी आर एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर एन इक्वल्स टू टी इंटू डेल थीटा बाय टू प्लस टी इंटू डेल थीटा बाय टू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो टी इंटू डेल थीटा बाय टू और प्लस टी इंटू डेल थीटा बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा टी इंटू डेल थीटा। तो ये आर एन की वैल्यू आ गई आपकी। तो इस तरह हमने आर एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली और इसको इक्वेशन नंबर वन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर वन कंसीडर करने के बाद अब हम कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग फोर्सेस इन वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में तो हमने देख लिए, अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो फोर्स है हमारे पास टी कॉस डेल थीटा बाय टू, एक है आपका एफ जो कि किसके इक्विवेलेंट है म्यू इंटू आर एन। तो ये और ये दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है। और उसके अपोजिट में ये है आपका टी प्लस डेल टी कॉस डेल थीटा बाय टू। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टी कॉस डेल थीटा बाय टू, ठीक है, कौन सा फोर्स, वर्टिकल फोर्स, और इसके साथ में प्लस एफ की जगह म्यू इंटू आर एन लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके इक्वल में, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर है, अब लाइन ऑफ एक्शन ऊपर है और इसके अपोजिट में ये है, तो इसको लिख लिया हमने ये वाला टी प्लस डेल टी कॉस डेल थीटा बाय टू। अब आप क्या देख रहे हो कि कॉस डेल थीटा बाय टू, तो हम जानते हैं कि कॉस डेल थीटा बाय टू, डेल थीटा बाय टू इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, सो हम जानते हैं कि कॉस डेल थीटा बाय टू इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, आपके वन के इक्विवेलेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसको टी इंटू कॉस डेल थीटा बाय टू की जगह कितना हुआ आपका वन प्लस म्यू इंटू आर एन और इक्वल टी प्लस डेल टी, और हम जानते हैं कॉस डेल थीटा बाय टू किसके इक्विवेलेंट है वन, तो ये आपका वन, तो ये हो जाएगा आपका टी प्लस म्यू आर एन इक्वल्स टू टी प्लस डेल टी। अब जब आप इसको टी को इस साइड ले जाओगे तो टी से टी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू आर एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डेल टी, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या देख रहे हो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए
म्यू इंटू आर एन इक्वल टू कितना है आपका डेल टी। तो आर एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डेल टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए सॉल्व इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। सो म्यू इंटू आर एन की जगह कितना लिख दिया आपने, टी इंटू डेल थीटा, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका डेल टी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये टी को यहाँ पे इसके नीचे ले जा सकते हैं। सो इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू डेल थीटा इक्वल्स टू डेल टी अपॉन टी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको यहाँ पर अभी तक क्लियर हो गया। तो आपको क्या मिल रहा है, म्यू इंटू डेल टी और डेल थीटा इक्वल्स टू डेल टी अपॉन टी। अब स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो डेल थीटा है, ठीक है, ये है आपका एक एलिमेट्रिक एंगल, ठीक है, और ये जो डेल टी है ये एलिमेट्रिक टेंशन। तो ये एलिमेट्रिक टेंशन कहाँ पे है, टेंशन इन टाइट साइड में टी प्लस डेल टी, और ये जो एंगल आपने लिया था डेल थीटा, ये एलिमेट्रिक स्ट्रिप का एंगल लिया था, डेल थीटा था ये। तो ये डेल थीटा था तो आपका ये कितना हो जाएगा, डेल थीटा था आपका, कितना एंगल था ये डेल थीटा, तो इसका हाफ एंगल डेल थीटा बाय टू और इसका हाफ एंगल ये कितना डेल थीटा बाय टू। क्लियर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी दोनों साइड हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रीगेट करेंगे। अब दोनों साइड अगर हम इंट्रीगेट करते हैं तो बहुत साइड वी आर गेटिंग इंट्रीगेटिंग। तो ये तो आपका क्या है, म्यू कॉफिशियन ऑफ फ्रिक्शन ये कॉन्स्टेंट है, और ये है आपका डेल थीटा, इस पर हमको काम करना है, और डेल टी इस पर भी हमको काम करना है, और ये टी। तो आप इसको लिख सकते हो इंट्रीगेट जीरो टू थीटा, जीरो से लेकर थीटा एंगल तक, और ये कितना हो जाएगा म्यू इंटू डेल थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी हम लिमिट पुट अप करेंगे टी और डेल टी। तो देखो लिमिट कैसे रखेंगे इसकी, एक होता है टेंशन इन टाइट साइड और एक टेंशन इन स्लैक साइड। तो टी वन टेंशन इन टाइट साइड और टी टू टेंशन इन स्लैक साइड। तो ये जो है ये टेंशन कम है और ये टेंशन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिमिट पुट अप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका टी टू लोअर से हायर टी टू से टी वन की ओर, तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन टी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू तो बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, और जीरो से ये हो जाएगा आपका थीटा, और इक्वल अब चूंकि डेल टी बाय टी तो वन बाय टी, मतलब ये फॉर्मूला होता है आपका वन अपॉन एक्स, और इंटीग्रेट करते तो लॉग एक्स होता है, तो उसी तरह डेल टी बाय टी तो इसका कितना हो जाएगा लॉग टी, और ये लिमिट हो जाएगी आपकी टी टू, और ये हो जाएगा टी वन। सो आप इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका म्यू, अब थीटा मैक्सिमम और ये जीरो मिनिमम, तो थीटा ही होगा म्यू इंटू थीटा, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका लॉग टी वन अपॉन टी टू। कितना हो जाएगा लॉग टी वन अपॉन टी टू, टी वन मीन्स टेंशन इन टाइट साइड और टी टू टेंशन इन स्लैक साइड। सो आप क्या कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका लॉग टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू म्यू थीटा। अब जब मैं इसका एंटीलॉग लेता हूँ, जब मैं इसका एंटीलॉग लूँगा तो ये हो जाएगा आपका टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू, अब म्यू थीटा है ये ई टू द पावर में आ जाएगा। तो इस तरह ये डेरिवेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए टेंशन रेशियो के लिए क्या किया हमने, टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। तो ये हमने यहाँ पर डेरिवेशन यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया कि टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।